हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सॉरी, सीजन 2 का एपिसोड 72 और तुरुदास ये देख। भाई बहन, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। आओ बैठो बेटी। क्या बात है बताओ। हाय बखानम, तो तकिन इस वाकये के बाद बहुत मुश्तिल हो गए, अपना आप खो बैठे हैं। वो जब गुस्से में होते हैं तो किसी की भी नहीं सुनते वो। अगर उन्हें ना रोका हमने तो बहुत खून खराबा होगा। बेटी, तुम तो कहीं पीछे गुजरी है, उसे सहना मामूली बात नहीं। ना किया तो आगे क्या होगा। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम अब एक सरदार की बीवी हो। वो चाहे कितना ही गुस्सा करे और गुस्से में वो कितना ही चीखे पुकारे, लेकिन तुम्हें उसके लिए बिल्कुल रहना है। वो मोहब्बत की तलाश में तुम्हारी तरफ ही आएगा। याद रखना ये नसीहत, मुश्किल वक्त में काम आएगी तुम्हारे। और आज के बाद चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल आ जाए, उसे पहले खुद सुलझाने की कोशिश करना मेरी बच्ची। मजबूत और बावकार बनना है तुम्हें, सरदार की बीवी हो तुम। अभी तो यार बच्ची, तू भी दिमाग लगा थोड़ा यार। गोंजागुल को किस तरह काले पत्थरों के पास भेजना है ये मुझे मालूम है, आप फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया अतुल भाई, जिसमें आपकी कामयाबी यकीनी है, लेकिन जंग उस वक्त शुरू होगी जब सच सबके सामने एक एक करके आया हो जाएगा और गुमश्तकीन के किए गए कारनामे हर एक के आगे जाहिर हो जाएंगे। यही हमारा मकसद है भाई। अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है अतुल भाई। गुमश्तकीन जल्द ही अपने अंजाम को पहुंचेगा। गुंदोगदू भाई रवाना होने के लिए तैयार है और उनके सिपाही मसलसल हमारे ताकों में है। ठीक है, तो आप पर भरोसा है मुझे। शिकार को जाल में फंसाने का वक्त आ गया है। जैसा आप कहें भाई। उनको पता नहीं ना अगले लोग कहां कहां से हेल्प है। शामदीद सरदार, बहुत शुक्रिया। घोड़ा तैयार है आपका, नाले भी बदल दी है मैंने। अब ये सवारी के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकअल्लाह। पीछे जाओ, जाओ पीछे। काफी बेहतर हो चुकी है आयतुल्लाह खातून, लेकिन जहर अभी तक आपके जिस्म से पूरी तरह रफा नहीं हुआ। इस जहर का आपके जिस्म से खत्म होना बहुत जरूरी है, वरना आपकी सेहत को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। फिर मुझे क्या करना चाहिए आरतुक साहब, क्या कोई इलाज नहीं है इसका? इलाज तो मौजूद है आयतुल्लाह खातून, अगर आप चाहें तीजल के पौधे में लगे कांटों से आपका इलाज किया जा सकता है, लेकिन इस पौधे का मिलना बहुत मुश्किल है। अलबत्ता
काले पत्थरों के पास कुछ पौधे मौजूद हैं। मैं वहां जाकर तलाश कर लेता, मगर कबीले के बीमारों को मेरी जरूरत है। मैं चली जाती हूँ आर्थिक साहब, इनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शुक्रिया गोंजा गुल खातून, पौधों को मेरे पास तोड़ कर ले आइएगा, मैं दवा बना दूंगा। मुझे इजाजत दीजिए। एक मछली फंसी। बहुत शुक्रिया आपका आर्थिक साहब। जाओ जाओ। सब खैरियत है बबसी? मैं दोबारा मदरसे जा रहा हूं। तालीम हासिल करने ये बहुत जरूरी है भाई। तुम्हें लगता है कि काफिरों को हराने के लिए सिर्फ तलवार? तालीम के बगैर इंसान तलवार के बगैर लड़ते हुए जंतू जैसा है, और अभी तो जंग सिर्फ शुरू हुई है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन तालीम हासिल करना दुम्बा खाने जैसा नहीं होता, पता है ना? मेरे भाई, तालीम के मैदान में सबको मेरी सलाहियतों का अच्छी तरह पता चल जाएगा। याद है अर्तुरुल भाई ने भी कहा था, अगर हम समंदर बन जाए तो सारे दरिया आकर हमें मिल जाएंगे। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, कहीं हमें देर ना हो जाए। चलो भाई, रुक तो जाओ, अभी चलते हैं। अल्लाह जिहाद मुबारक करे तुम्हें। शुक्रिया भाई। ये लोग अभी तक हमारे पीछे पड़े हैं। फिक्र मत करो भाई, कोई भी शख्स तालीम याफ्ता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह की हिफाजत फरमाएगा इंशाअल्लाह। ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे शिकार तुम्हारे हाथ से निकल गया?
किसे ढूंढ रहे? भाई ऐसा ले रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, देखो देखो, लेकिन जरा ध्यान से, कहीं खुद किसी का शिकार ना हो जाए। दो दुर्गा कबीले को तुम जैसे अकलमंद बहादुरों की जरूरत है अभी। तुम लोग बच्चे अभी इनके सामने। अभी अगर वो भी होते ना तो मजा आ जाता। Thank you.
ये बहुत पेनफुल था देखते हुए। जैसे ही अर्जुन ने उसको इशारा दे दिया और जाके अपने को आवाज कर दिया। बहुत करीब है हम उनके, उनका छुपना नामुमकिन है। मुश्किल वक्त में तुम्हारा मेरे साथ होना मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मैं, मुश्किल वक्त में भी, इंशाल्लाह अच्छे वक्त में भी। निशानी लगा दी थी, खुद तो भाई पहुंचने ही वाले होंगे। जानती हो ना तुम्हें क्या करना है बालोजी। सरजान खातून गुंजागुल को काले पत्थरों तक लाएंगी, फौरन चले जाओ वहां। तुम दोनों पर ही मुनहसर है कि यकीन दिलाता उसे कि उसके जुर्म का सबूत मौजूद है तुम्हारे पास। अगर उसने यकीन ना किया, अपने कातिल होने के इंकशाफ पर वो खौफजदा हो जाएंगे। इसलिए ये पहले ही सब बिगाड़ चुकी है, इसीलिए वो शदीद गुस्से में। सरजान और तुम्हें जब साथ देखेगी तो वो ये मौका जाया नहीं करेगी कभी। जब उसे मालूम होगा कि वो सबूत तुम्हारे पास है तो वो हर कीमत पर वो सबूत तुमसे हासिल करने की कोशिश करेगी। तुम्हारी जान को खतरा है वहां, इसलिए आंखें और कान खुले रखना। भाई मुझे दुआ वापस लेकर जाएंगी कुंदोक्त भाई, तो गुस्से में तूतकिन भाई इन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। दुआ तुम्हारे साथ हुआ तो आयतोरन वहां नहीं आएगी कभी। तुम्हारे अकेले होने का यकीन होगा तो जाल में फंसेगी वो, इसलिए दुआन का वापस जाना जरूरी है। तुम परेशान मत हो, गुंदोक्तु भाई है वहां और वालिदा भी, वो लोग इसे हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बानोजी जैक, मेरी फिक्र मत करो, जाओ और जाकर कातिल को कैफरे की दुआ ही कामयाब लौटो। जैक के घोड़े के निशानात बटा दो ताकि वो पीछा न कर सके। जैसा आप कहें भाई। तुम्हारा सामना अब तुम्हारे अपने ही भाइयों से होगा तुम्हें। अल्लाह हम यो नासिर। झेल लेगा। अरे अर्तुल के लिए कुछ भी। और ये ना खाली अर्तुल नहीं ना, माना जैक के लिए भी झेल लेगा। जैसे उसने बोला ना मैं अर्तुल के लिए तो मैं जान भी दे देता हूँ, पर इस बार बात अलग है। कुछ नहीं हुए।
ये निशान बिल्कुल ताजा है, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। बेहतरीन, हम तीन हिस्सों में बटेंगे और कुर्दबुआजी के दाएं बाएं चलेंगे। भाई जैसा आपका हुक्म। तुम्हारी हर चाल पर मेरी नजर है, अब मजीद है अंदर आ सकता हूँ सुल्तान। आ जाओ। अंतुल निकल गया हाथ से। आपकी इजाजत से आपको खबर देना चाहता हूँ भाई। हाँ कहो सामसा। अंतुल भाई वो कबीले में मौजूद नहीं है। ये क्या कह रहे हो सामसा? कुछ नहीं मालूम भाई, हाँ गायब हो गए, कुछ मालूम नहीं हो सका। हर तरफ ढूंढ लिया हमने लेकिन वो कहीं नहीं मिले। रास्ते में सुगुर तक के भाई भी मिले थे। और कितना बेवकूफ बनोगे तुम? मैंने कहा था ना अपनी आंखें खुली रखना। तुम्हारा दिमाग क्या होता है सामसा? अकेले है तुम मैं के नहीं? जैसे तक जो हो तुम सिर्फ एक आदमी का सुराग रखने में नाकाम हो गए। सिर्फ एक आदमी, एक एक एक, वो एक लाखों के बराबर। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैंने कहा चले जाओ। ये सुधरा नहीं है। ये कौन सा खेल खेल रहे हो तुम? तो बच्चा है अभी। खोखची बेटी, अपने शौहर को अकेला मत छोड़ना, उसके साथ रहो, उसे पुरसुकून रखने की कोशिश। एक बहुत अहम खबर है मेरे पास तुम्हारे लिए आई दुल्हन। हमने जितनी भी कुर्बानियां दी हैं, उन सब का सिला हमें मिलने वाला है। अब हम सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। वक्त आ गया है आयतुल्ला, हमने इसके लिए बहुत इंतजार किया। अब हमारा मुस्तकबिल सूरज की तरह रोशन होगा। तोता किन कहा है? जिन सिपाहियों को अर्थरूल के पीछे भेजा था वो नाकाम लौटे हैं, गुस्से में पागल हो रहे हैं। इनको इस दावत के बारे में बताता हूँ। हम्म।
मैं अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाए गोश्तेकर साहब, आ जाए। एक बहुत अहम खबर लाया हूँ आपके लिए सरदार। मुझे वालिदा से कुछ काम है, अभी वापस आ जाऊंगी। कहिए गोश्तेकर साहब। अमीर सादुद्दीन ने मक्तूब भेजा कबायल के सरदारान को एक अहम मसले पर बात करने के लिए, खाने पर मक्तूब किया है। और वो अहम मसला क्या है आखिर? इस बात का इल्म तो नहीं, तश्वीश है मुझे भी। एक बात हो, क्योंकि आपके लिए ये दो दुर्गा के सरदार के तौर पर पहली मुहिम है, इसलिए तमाम तुर्क कबायल के सरदारान और अमीर सादुद्दीन को पैक को ये दिखाना होगा कि दो दुर्गा कबीला महफूज हाथों में है। बिल्कुल ठीक है, तो फिर हम साथ ही चले जाना होगा वहाँ। अमीर सादुद्दीन को बेग सराय में मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाइमा खातून को यह पैगाम पहुंचाने के बाद सराय रवाना हो जाऊंगा मैं। आपके मुझसे पहले जाने की वजह? मेरा ख्याल है कि महल में मेरी उनसे पुरानी वाकफियत की वजह से वो मुझसे कुछ मशवरा करना चाहते होंगे। चले ठीक है फिर तो। बहुत शुक्रिया सरदार। सरदार, मेरी बहन और बेटी अमानत है आपके पास। बिल्कुल बेफिक्र होकर जाए गुबश्ते। तेरी बेटी फंस रही है बाबा, अच्छा ही नहीं है, वरना तो और दिमाग खराब होगा। जब हमने सुना कि तू तक इन सरदार सुबह सवेरे आपके खेमे में आकर झगड़ा कर रहे हैं तो हमें बहुत अफसोस हुआ। ये सारे वाकयात हमारे लिए बहुत परेशानी का बाइस है रुखनम। क्या पिछली मर्तबा अर्थरुल गलती पे था? हाँ? क्या उसने कबीले को मुश्किल हालात से निकाल कर गद्दारों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया? क्या क्या उसने खुद पे लगे इल्जामात का खात्मा नहीं किया था? बिल्कुल किया था हाइमा खानम, बिल्कुल किया था। लेकिन हमें फिर भी बहुत तशवीश है। अगर बानो चिचक ना मिल सकी तो उनके साथ क्या होगा फिर? हमें खतरा है कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अर्थरुल सरदार आखिर करना क्या चाहते हैं हाइमा खानम? हम आपकी और सरदार अर्थरुल की दिल की गहराइयों से इज्जत करते हैं, लेकिन बाहर का मौसम आ चुका है, हमारे मवेशियों और कबीले का क्या होगा? बहुत मुश्किल सूरत हाल है, मुस्तकबिल में क्या होगा हमारे कबीले का? कुंदोगदू जब वापस आ जाएगा तो मैं इन मामला पे उससे तफसीली गुफ्तगु करूंगी। हम खुशखबरी के मंतजर हैं हाइमा खानम, इजाजत दीजिए हमें। इजाजत। बहुत पेशेंस है इनमें, सबकी बातें सुनना करना। Thank you.
हाउसिंग की तरफ गए वो लोग। जिहाद पर कमल कसले सब अपनी, आ जाओ जिसको चलना है हमारे साथ। हिम्मत वाले चलेंगे साथ उस दिलों की जगह, हिम्मत वाले चलेंगे साथ उस दिलों की जगह नहीं हमारे पास। नहीं यार नहीं, बानो जी चेक कातिल नहीं है मेरे भाई। कहाँ है वो? सालिमों का लुकमा अचल बनने के बजाय उसने हक का साथ देना बेहतर समझा है। कुंदोक्त भाई कहाँ है? वो तुम्हें बचा लेंगे क्या? अर्तुरुल भाई कैसे? कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब इसलिए किया कि बानो जी जग को सालिमों से बचा सकूं मैं।
तुमने इस बार? बस यार मानो जी जी निकल जाए मेरे को वही चाहिए यार, उसके पीछे पड़े हो लोग। लेकिन क्या प्लानिंग चल रही है एकदम? बट मेरे को है ना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा तो लगा। हैव में से देसी बात है ऐसे देखती है। बोल दे बोल दे। अब तो मेरी जॉब में तो मैं जा रहा हूँ, आए आए कबीला जरूर आएगा वहाँ पे। पर अब भाई ऊपर से ये तू तक नहीं पागल हुए क्या? अरे इसको इतना बहुत पेशेंस नहीं है, पेशेंस है ही नहीं तू तक नहीं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता। ठीक है बढ़िया, अभी अब दुआन पकड़ा गया है, जो प्लान था वो हो गया है। दुआन मुझे नहीं चाहिए, एटलीस्ट वो पकड़ी जाए पता है। हां वो निकल जाए, क्योंकि एटलीस्ट उन लोगों का पूरा प्लान है ना वो सही अच्छे से होना चाहिए, वरना ना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। बढ़िया आए तो इन कब 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 उसका बोलते ना भांडा फूटेगा, भांडा फूटेगा बस हो गया, मतलब बहुत एक पे एक पे एक पे एक चाले चले जा रही है। बस कैसे भी करके लोग पकड़े जाए, मतलब पकड़े नहीं है मतलब ये लोग पकड़े जाए, आई थिंक लोग का पर्दा फाश हो जाए। सो लोग देखते हैं आगे की प्लानिंग क्या है कैसे। और बहुत अच्छा लगा वामसी पढ़ाई कर रहे हैं। ओके तालीम हासिल कर, तालीम हासिल कर रहा है यार। ठीक है तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।